नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना है। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक गोमती साहब, विधायक भयालाल राजवाड़े, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमल चंद्र भंजदेव सहित अन्य नागरिक भी मौजूद रहे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर रोज एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने वाले तेलंगाना के राजशेखर संताली भाषा को सहजने के लिए रामजी टूडू के प्रयासों और औषधि पौधों को भी संरक्षित करने के लिए मदुरई की रहने वाली शिक्षिका शुभाश्री के योगदान का जिक्र किया है। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में विरासत थी, यही वजह है कि मुझे हाल की अपनी अमेरिका यात्रा, अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृति, जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता तब तक करने का काम है। मैं कांसे से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं पूछूं कि कोई बच्चा कौन से स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर ले, मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर शुभाश्री, जिन्होंने अपने प्रयास से दुर्लभ और बहुत उपयोगी जड़ी बूटी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है संथाली भाषा से। रायपुर के सर्किट हाउस में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ओलंपिक सत्र की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वहीं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, मंत्री केदार कश्यप, सांसद विजय बघेल उपाध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ ही महासचिव पद के लिए विक्रम सिसोदिया को निर्विरोध जो है वो चुना गया। कोषाध्यक्ष पद के लिए भी संजय मिश्रा को निर्वाचित किया गया। प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वो लोग पूरी निष्ठा से खेलों को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि प्रदेश का खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे और वहां से मेडल जीत कर लाए। वहीं दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात को लेकर सीएम ने कहा कि जितना भी छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे दिख रहा हो वो भारत सरकार और नितिन गडकरी की देन है। आगे और छत्तीसगढ़ में भारतमाला क्षेत्र में अच्छा काम हो, इसलिए उनके साथ बैठक निश्चित हुई है। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बड़ा महत्वपूर्ण और गरमामी कार्यक्रम था और पिछले दिनों छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में श्री दिग्विजय जी पधारे थे और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव के श्री अशोक अग्रवाल जी थे और उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक इस चुनाव को संपन्न कराया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को, उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी सदस्यों को कि सबने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इसके लिए मैं पूरे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूं और हमारे जो एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जो इन सेक्रेटरी वगैरह हैं, सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और हम सभी लोग पूरी टीम भावना से काम करते हुए छत्तीसगढ़ में सभी खेलों को आगे बढ़ाएंगे और संघ का ये प्रयास होगा कि आने वाले ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक पार्टिसिपेट करे और वहां से मेडल जीत के लाए। हाँ, माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और जितना जो आज छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और भारतमाला ये सब जो सड़कें आज दिख रही हैं, सब भारत सरकार और गडकरी जी की देन है। और आगे और छत्तीसगढ़ में
मतलब एनएच के क्षेत्र में, भारतमाला क्षेत्र में और अच्छा काम हो, इसके लिए उनके साथ कल बैठक निश्चित हुआ। अब न्यायालयीन प्रक्रिया है, इस पर हम क्या कमेंट करेंगे, न्यायालय अपने तरीके से काम करेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि निवास कार्यालय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उनके ओजस्वी उद्बोधन का श्रवण किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर हर्ष जताते हुए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सभी से स्वच्छता अभियान में भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि मैं समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि इस अभियान से जुड़कर स्वच्छ छत्तीसगढ़ बनाने में अपना सहयोग दें। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक गोमती साहे, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमल चंद्र भंजदेव, बीजेपी नेता अंजय शुक्ला सहित अन्य साथीगण भी उपस्थित रहे। बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बीजापुर से, आईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए हैं। कैंप से डीमाइनिंग ड्यूटी पर निकले थे जवान, जिला मुख्यालय लाए गए घायल जवान। सभी घायल जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे। बड़ी खबर इस वक्त की बीजापुर से जहां पर जिला मुख्यालय लाए गए हैं घायल जवान, सभी घायल जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, बीजापुर से माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया है और 5 जवान घायल हो गए हैं। कैंप में डीमाइनिंग ड्यूटी पर निकले थे, जिला मुख्यालय लाए गए हैं घायल जवान, सभी घायल जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सीआरपी की टीम डीमाइनिंग ड्यूटी के लिए थी। डीमाइनिंग के दौरान आईडी डिटेक्ट होने पर आईडी रिफ्यूज करने के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें चपेट में आए थे 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया है। सभी जवानों की स्थिति सामान्य है, सभी को सामान्य स्थिति आई है। प्राथमिक शाला बिहारझर से बच्चे को अगवा करने का मामला सामने आया। बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में पता चला कि बच्चे की मां, जो कि पारिवारिक विवाद के चलते अलग रह रही थी, वह बच्चे को अपने साथ लेकर गई है। इस मामले पर बागबाहरा पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक बच्चे की कोई भी खबर नहीं मिल पाई है। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं और मासूम को अगवा करने का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बागबाहरा थाने में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया। मासूम को अगवा करने का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि बागबाहरा से ये पूरा मामला है, जहां पर मासूम को अगवा करने का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर अब इस मामले की जांच पड़ताल भी लगातार की जा रही है। दरअसल बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जिनको लेकर मासूम को अगवा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर एक मां अपने बच्चे के साथ अस्पताल के सामने इंतजार करती रही, लेकिन कर्मचारी घंटों तक नहीं आए। काफी देर बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फिर जाकर रेफर किया गया। पूरा मामला बड़गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कांकेर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घंटों तक कर्मचारी नदारद नजर आए,
और इलाज के इंतजार में मां भी बैठी रहे। दरअसल ये पूरा मामला कांकेर से है। घंटों तक कर्मचारी नजर नहीं आए हैं, इलाज के इंतजार में मां घंटों इंतजार करती रही। खबर जगदलपुर से है, जहां पर सड़कों का जाल बिछाकर सरकार नक्सलियों की घेरेबंदी कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जगदलपुर में मीडिया से प्लान को साझा किया। धुन नक्सल प्रभावित जगरगुंडा, सिलगेर, आवापल्ली और साथ ही बीजापुर होती हुई सड़क दोरनापाल तक बनेगी। संभाग मुख्यालय जगदलपुर को यह सड़क तीनों दिशा से कनेक्ट करेगी। नक्सलियों के गढ़ धर्मावरम के दोनों तरफ से सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है। सड़कों का जाल बिछाने से आवागमन बढ़ेगा और इसे सरकार की बेहतरीन स्ट्रेटजी भी माना जा रहा। लोक निर्माण विभाग के अफसरों के साथ बैठक पूरी करने के बाद जगदलपुर के सर्किट हाउस में अरुण साव ने मीडिया को यह जानकारी दी है। जगरगुंडा से सिलगेर, आवापल्ली, बीजापुर एवं दोरनापाल मार्ग भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। इससे जगदलपुर की तीनों दिशाओं में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बीजापुर जिले के महत्वपूर्ण सड़कें धर्मावरम के दोनों ओर स्थित है, उनके भी निर्माण हेतु एजेंसी निर्धारित कर निर्माण की योजना की जा रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के बुरकोनी में चल रहे जिला स्तरीय जनसमस्या निराकरण शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने आला अधिकारी से लिए गए आवेदन पर तत्काल निराकरण करने को कहा है। लोगों की अनेक प्रकार की समस्याओं को भी सुना गया है और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे पोषण माह वजन त्यौहार की तैयारी की गई है। और भुरकुनी सेक्टर पर्यवेक्षक क्षमा तांडे ने बताया कि बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जा रहा है, खान पान खराब आदत से स्वास्थ्य बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में संकल्प लेते हुए सम्मान के बच्चों के लिए पहले सुनहरा 1000वें अल्मुनिया की रोकथाम पोषण विधिवत स्वच्छता की जागरूकता में शपथ ली गई। भुरकुनी की हायर सेकेंडरी स्कूल के बालिकाओं को कलेक्टर द्वारा 64 नग साइकिल वितरित किया गया। साथ ही महासमुंद जिले के दूर दराज से आए हुए ग्रामीणों की समस्या सुनी गई, लोगों से मुलाकात भी की गई है। आपको बता दें, पूरा मामला महासमुंद से है, जहां पर कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को सुना है। तत्काल निराकरण के यहां पर निर्देशित भी किया गया कि जन समस्या निराकरण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी है। पूरा मामला महासमुंद से है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर एक ओर इस आधुनिकता के दौर में हमने भौतिक सुख के चरम को छू लिया है, वहीं दूसरी ओर इस भौतिकवादी युग में व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे समाज की महिलाएं अपने आप को महफूज समझ सके। आए दिन महिलाओं के साथ कई घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे महिलाएं अपने आप को असहज महसूस करने लगी हैं। तो यही लगता है कि रात के टाइम बच्चे हमारे सेफ नहीं है, नहीं निकाल पाती हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए रात के प्रोटेक्शन वगैरह। सनातन संस्कृति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। ये जो बात है मुझे बच्चों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, वजह माँ बाप ही कहीं न कहीं उन्हें अपनी धरोहर से जोड़ना हमारा कर्तव्य फर्ज है। ये बहुत चिंताजनक विषय है कि अनावश्यक दिखावा, अनावश्यक बातें जो हमारे समाज को दुर्भ्रमित करती जा रही है, इस ओर हमारा कदम उठ जाए तो हमारी चिंता से समाप्त हो। लाने के लिए
उसका परिणाम भी नजर आ रहा है। हर तो बस वही जो मेन मुद्दा है कि दिशा देने का कार्य स्टार्ट किए प्रारंभ किया है। पिछले माह एक बैठक मैंने यही इसी स्थान पर ली थी जिसमें मैंने हिंदू संगठनों को शामिल किया था और हिंदू संगठनों के माध्यम से अपने समाज की बातें, उनमें दो नाम मुख्य थे, डॉक्टर विनोद तिवारी जी और धनंजय गोस्वामी जी, दोनों को बुलाया गया था और ये इसलिए रखा गया ताकि हमारे युवा, हमारी माताएं, हमारे बहनें सब जाग जाएं और जो भी हम अभी जो कार्य कर रहे हैं वो सब नमन है, उनको उन सेवाओं को नमन है, पर ये कार्य की ओर हमारा कदम आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो अभी दायित्व है वो राष्ट्र में है अभी, तो मुझे शहर में और अपने प्रदेश में मैं कम समय दे पा रही हूँ, तो मुझे मेरी जैसे मुझे ऐसी बहनें चाहिए जो इस ओर कार्य करें, पड़ोस की दशा देखते हुए कहीं हम अपना घर जला न जाएं, पड़ोस की जो स्थिति हम देखे हैं, सुने हैं, बयान हर समाचार पत्र के माध्यम से हुई है, अब भी हमारी आंखें न खुली तो हम कब जागेंगे, इसलिए मुझे लगता है ये समय है, हमें जग जाना चाहिए और उस ओर मुझे भी कई लोगों के कई और सुझाव भी चाहिए। मैं अपने तरीके से जो दंड चालन और जो हमारे संघ की परिपाटी है उसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं, पर प्रातःकालीन जो सभा होती है इसलिए हमारे बच्चे उठने में ही देरी करते हैं, तो उस ओर माताएं जग जाएं तो शायद जो मैं सोच रही हूँ वो कदम बढ़ जाए। देश में जो माहौल है उससे अक्सर परिचित होता है कि महिलाओं के खिलाफ निगेटिव है, डर लगता है आपको? देश में जो माहौल है वो तो महिलाओं के खिलाफ एक निगेटिव माहौल बनते जा रहा है, आपको क्योंकि समाज सेवा से जुड़ी और राजनीतिक की भूमिका है तो समस्याओं को आप तक नहीं आते होंगे, परेशान भी करते होंगे, डर लगता है? डर नहीं बोलूंगी मैं, चिंता बोलूंगी जरूर, चिंताजनक है क्योंकि जो तेजी से हमारे परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, उसमें 70% माताओं बहनों की भी भागीदारी ज्यादा है, जो अनावश्यक खर्चे जो मैंने कहा शादी ब्याह आदि सब उसमें दिख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं माताएं बहनें ही आ गई, जो पाश्चात्य संस्कृति की जो परिधान है, वेशभूषा है, खान पान है, उसमें भी यदि मैं कहूँ तो हमारी माताएं बहने मुझे, मैं एक नारी होते हुए ये बात रख रही हूँ तो जरूर मैंने वो दर्द झेला है, वो दर्द महसूस किया है जो दर्द मैं बयां कर रही हूँ। महिलाओं के प्रति जो एक भाव होता है क्या उसके पीछे कुछ सामाजिक कारण है या फिल्मों का भी कुछ रोल है या जो बच्चे स्कूल में इंफ्लुएंस होते हैं वो आप मानते हैं? इसमें फिल्म और ये अभी के समय में बहुत कम है, अभी का जो समय सोशल मीडिया उसमें जो ये रील्स और ये बनाना, इसमें जो इन लोग तेजी से जो बढ़ता जा रहा है इसमें परेशान किया हुआ है। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम बन गया जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसे ये समझ नहीं आ रहा है ये मुझे गर्व की ओर धकेल रहा है क्योंकि पहले के जो माता पिता होते थे वो अपने बच्चे को इतना संवारते नहीं थे, वो इसमें संवारते थे कि वो ज्ञान यानी शिक्षा कैसे अर्जन करे, और वर्तमान में माताएं बच्चे को संवारती है कि वो अच्छा दिखे, ये अच्छा दिखना ये अच्छा होना कहीं ना कहीं संस्कारों से बेमुख करता जा रहा है, तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव है जिसने हमारी मानसिक विकृति किया हुआ हर प्रकार। जो सरकारी प्रयास हो रहे हैं काफी है, सरकारी प्रयास अपने हिसाब से हो रहे हैं पर जब तक हम प्रजा में जो हम लोग हैं नागरिक सामाजिक व्यक्तित्व हैं, यदि हम लोग नहीं कर पाएंगे तो सरकारी योजनाएं भी सफल नहीं हो पाएंगी, उसके साथ साथ हमें भी वो जागरूकता अपने अंदर भी लानी पड़ेगी। समाज की महिलाएं बिल्कुल भी महफूज नहीं है, दरअसल आपको बताते चले कि बिलासपुर का यह पूरा मामला सामने आया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर पहुंचे जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं अरुण साव ने एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग की मीटिंग हुई है और पूरे बस्तर में सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण
का विकास हो सके। भारत सरकार सहित राज्य सरकार की नजर भी बस्तर पर है। जगदलपुर आना हुआ है, बस्तर संभाग के लोक निर्माण विभागों की बैठक है। बैठक में बस्तर संभाग में लोक निर्माण विभाग के जो काम चल रहे हैं, भावी योजनाएं हैं, उन सब की समीक्षा आज के बैठक में होनी है। जिस प्रकार से भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी प्राथमिकता बस्तर को लेकर है, उसी के तहत आज बस्तर के कामों की समीक्षा हम करेंगे, ताकि बस्तर में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण, अन्य भवनों का निर्माण तेज गति से आगे हो सके। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर इनका स्वागत किया, जहां पर उन्होंने भवनों का निर्माण कार्य करने की बात कही। दौरे पर डीपीसी अरुण साहब जगदलपुर पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने विकास पर बातचीत की और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया है और साथ ही भवनों के निर्माण कार्य की बात भी कहते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर से वो वहां पर पहुंचे थे, जहां पर फूलमाला पहनाकर उनका जमकर स्वागत भी किया गया। दरअसल डिप्टी सीएम जगदलपुर पहुंचे थे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने विकास पर बातचीत की। उन्होंने कहा लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जगदलपुर में लगातार निजीकरण का विरोध भी हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जगदलपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर मैं इतना ही। नमस्कार।